हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की स्टोरी है मेरी एलीट i20 के बाइंग एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने कैसे i20 चूज़ की बिटवीन बलेनो एंड i20, मेरा जो डिसीजन था वो कैसे चेंज हुआ। पहले मैं बलेनो लेना चाह रहा था, मैंने 3 शोरूम में बुक भी करा दी थी और डिमांड उस टाइम बहुत होती थी बलेनो की। आज से 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ और ये वीडियो उन लोगों को बहुत हेल्प करेगी जो बलेनो और i20 में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी गाड़ी ली जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, एलीट i20 अपनी सेगमेंट की मर्सिडीज़ मानी जाती है और जब मैंने ये गाड़ी ली तो मैंने उससे पहले बलेनो 3 शोरूम से बुक कराई हुई थी। जी हाँ, 3 शोरूम में मैंने बुक कराई थी। तो फाइनली मैंने उसके बाद एलीट i20 ली। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं पहले से स्विफ्ट यूज़ कर रहा हूँ और स्विफ्ट मैंने 2015 में ली थी और ये गाड़ी मैंने ली है 2016 दिसंबर में। तो क्योंकि मैं स्विफ्ट यूज़ कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना बलेनो ली जाए, मारुति की गाड़ी है, दोनों गाड़ी मारुति की हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने बलेनो बुक करा दी। लुक वाइज ठीक ठाक थी, इंटीरियर ठीक ठाक था, तो मैंने ले ली। बट अगर मैं इन दोनों के सेम मॉडल के बारे में बात करूं जिसमें सेम फीचर्स हैं, तो दोनों मॉडल में करीब 1 लाख का डिफरेंस था। जो एलीट i20 है वो 1 लाख रुपए महंगी हुआ करती थी और इस वजह से मैंने बलेनो चूज़ की और बलेनो बुक करा दी। दोस्तों, बलेनो बुक कराने के बाद मुझे करीब 3 महीने हो चुके थे वेट करते करते और दिसंबर आ गया था। तो दिसंबर में मुझे पता चला कि हुंडई ने अच्छा खासा डिस्काउंट लॉन्च किया हुआ है और मैं डिस्काउंट पता करने गया तो जो बलेनो का और i20 का डिफरेंस 1 लाख रुपए का हुआ करता था वो उस डिस्काउंट के बाद करीब रह गया सिर्फ 55,000 रुपये का। तो मुझे लगा कि ये वर्थ है, अगर मैं 55,000 एक्स्ट्रा देता हूँ एलीट i20 के लिए तो इट्स वर्थ। एंड मैंने वो तीनों जगह से कैंसिल करा के एलीट i20 बुक करा दी। मुझे गाड़ी मिली थी 28 दिसंबर को और मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे 3 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को चलाते हुए। देखिए, सबसे अच्छी बात जो इस गाड़ी की है कि जब आप थके हारे शाम को घर की तरफ वापस जाते हैं तो आपको इस गाड़ी में बैठते ही आपकी सारी थकान निकल जाएगी एंड इतनी लग्जरी फील होती है इस गाड़ी में। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कह रहा हूँ कि मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पीसफुल महसूस होता है क्योंकि बाहर की नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। और मेरी हैबिट ऐसी है कि जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो पहले मैं म्यूज़िक ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो म्यूज़िक एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि बाहर की रोड नॉइज़ आपकी बिल्कुल भी नहीं आती, अंदर काफ़ी कम आती है, आपको फील भी नहीं होता है। तो काफ़ी थकावट कम होती है, आपको शांति मिलती है गाड़ी में बैठ के, आपको मज़ा आता है। सबसे अच्छी बात क्या है इस गाड़ी की कि ये सड़क पर चलती नहीं है, ये फ्लोट होती है। तो ये गाड़ी मैंने महसूस की कि ये गाड़ी ऐसी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सड़क पर चल रहे हैं कि ये गाड़ी उस पर फ्लोट हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है गाड़ी की। जो गाड़ी की मेंटेनेंस की अगर बात करूँ तो मैं जब इसकी सर्विस आती है तो 10,000 किलोमीटर पर मैं इसकी सर्विस कराता हूँ और 10,000 किलोमीटर के बाद जो मेरी सर्विस कॉस्ट बैठती है वो करीब बैठती है 10,000 रुपये के आसपास ही। और इसकी माइलेज है हाईवे पर करीब 21 के आसपास मैंने निकाली हुई है और सिटी में मुझे 16-17 का एवरेज बड़े आराम से दे देती है। मेरे पास है एलीट i20 डीजल। तो डीजल इंजन में लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ये वर्थ है क्योंकि जब आप हाईवे पर लेके चलते हैं इस गाड़ी को, इस गाड़ी में 6 गियर हैं और बलेनो में आते हैं 5 गियर। तो जब 6 गियर पर आप इस गाड़ी को चलाते हो इंजन नॉइज़ आपकी बिल्कुल भी नहीं आती है, आपको रोड नॉइज़ भी महसूस नहीं होगी इतनी और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस होता है 100 के ऊपर जब इस गाड़ी को चलाते हो। ये बहुत स्टेबल गाड़ी है और मैंने ये बहुत हाई स्पीड पर भी चलाई हुई है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, 3 साल हो चुके हैं और मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये बाहर से कैसी दिखती है और 3 साल मैंने इसे कैसे मेंटेन किया है। इसकी जो शाइन है वो एज इट इज़ है, जैसे नई गाड़ी की होती है। तो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसको कैसे रखें कि वो नई की नई दिखे आपकी सालों साल। ये वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ। जो ये अगस्त है, ये बारिश का मौसम है और इसमें गाड़ी मेरी इतनी साफ़ भी नहीं है, बट आप इसकी शाइन देख सकते हैं, इसकी शाइन आपको दिख जाएगी एज़ इट इज़ है जैसी गाड़ी हम लेते हैं। और मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसा आप कैसे रख सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. नमस्कार.